बहुत से लोगों को सांप के बारे में भ्रांति होती है, और भ्रांति ये है कि हर सांप जहरीला होता है, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। हिंदुस्तान में बहुत सारे सांप हैं जो जहरीले होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं हिंदुस्तान में वो दो सांपों के काटने से सबसे ज़्यादा होती है। एक है कॉमन करेत और दूसरा है रसल वाइपर। जो कॉमन करेत है वो बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे हम रहते हैं यूपी में और या फिर दिल्ली में बहुत कॉमनली मिलता है, खासकर गार्डन्स में निकल के आ जाता है और छोटी छोटी जगहों में छुप जाता है। उससे ही मिलता जुलता एक सांप है जो जहरीला नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कॉमन वुल्फ स्नेक। कॉमन वुल्फ स्नेक और कॉमन करेत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सबसे बड़ा फ़र्क होता है उसके कलर का। कॉमन करेत जो है वो ब्लैक कलर का होता है और ब्लू कलर की उसके अंदर से चमक आती है, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक जो है वो ब्राउन कलर का होता है। लेकिन पैटर्न जो है, ये जो आप दाग धब्बे देख रहे हैं, ये सबके समान होते हैं एक तरीके से। कॉमन करेत के और कॉमन वुल्फ के देखने में सामान्य, मतलब सेम लगते हैं, लेकिन सेम होते नहीं हैं। तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, बहुत सीधा सांप होता है। लोग इसको कॉमन करेत समझ के, जहरीला समझ के इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो आज का जो एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि सांप के बारे में, कि ये कौन सा सांप है, तो अगर सांप दिखे तो डरे नहीं, एक दूरी बना के रखें और किसी एक्सपर्ट को बुला के उसे पकड़वा के जंगल में वापस छुड़वाएं।